व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सब लोग को मेरे न्यू व्लॉग में। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपना कुछ ड्रेस कोड दिखा था, और इस व्लॉग में हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। तो वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाहर के गुलाल हम अवलिए नवलिए, तो गुलाल तो केमिकल्स मिले रहते हैं, तो हम लोग होममेड गुलाल बनाएंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है और देखते हैं कि अच्छा बनता है या नहीं। तो ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो चलिए इसकी रेसिपी चालू करते हैं। अब है हमारा कटोरी जिसमें हम लोग थोड़ा सा पानी लिए हैं, और ये है होली में खेलने वाला कलर। तो इसको हम लोग खोलेंगे पहले और इसमें हल्का सा डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कलर डाल चुका है, और इसको हम लोग अलग रखेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसको एक बड़े कटोरे में निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी बना लिया हूँ अपना वाला, वो मैं डाल चुका हूँ कटोरी में। छोटा सा बना के पहले से ही डाला था, मेरे को लगा कि कैमरा ऑन है तो मैं कह रहा, तो पता चला कैमरा नहीं, इसलिए मैं दिखा दिया वापस थोड़ा सा पानी में, उसको डाल दिया। तो इसमें अभी कोई मिक्स नहीं किया, सिर्फ पानी और रंग है। यहाँ पे माइलो हमको परेशान करा, माइलो माइलो देखिए यहाँ अंदर ये परेशान कर रहा है, पूरा काट काट के नाम खराब कर दिया क्या है। कटेगा हाँ लालू लाल। तो हम लोग जल्दी बनाते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे मैं लाया हूँ अरोरोट। क्या क्या इसको बोलते हैं, सॉरी मैंने वो अरोरोट बोल दिया, इसको कॉर्न अरोरोट भी बोलते हैं और कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी कॉर्नफ्लोर लिया है, अब इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इसमें। ये तो आप सबके घर के किचन में रहता होगा, मैंने मम्मी से मांगा, मम्मी ने दे दिया पहली बारी में ही। तो ये थोड़ा सा बचा, ये भी डाल दे। यहाँ पे मैं चम्मच लेके मिक्स कर दे रहा, जैसे आप चम्मच इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए। ये आपका एकदम पानी की तरह नहीं रहना चाहिए, एकदम गाढ़ा रहना चाहिए। अगर ये पानी की तरह है तो आपको और कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा। तो ये हमारा भी गाढ़ा है नीचे। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा पानी ज्यादा हो गया, इसीलिए पानी जैसा है। तो यहाँ पे मैंने और कॉर्नफ्लोर ले चुका है, तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर में डाल दूंगा। और ये मैं समझिएगा ये पानी है, ये है कॉर्नफ्लोर, मिक्स कर देता हूँ मैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये कैमरे में थोड़ा खराब दिख रहा होगा, मतलब इसका कलर खराब नहीं, अच्छा ही लग रहा होगा, पर कलर अलग आ रहा होगा, पर इसका रियलिटी कलर है ब्लू। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ये मैं अपनी मम्मी से पूछ के नहीं, मतलब मेरी मम्मी से मैं पूछ के नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी मम्मी भी आज तक बनाई नहीं है। ये मैं कट गया, देखिए नम हो गया है गाढ़ा। अब हम लोग यहाँ पे ये रोज एसेंस लेंगे, इसको इससे हमारी खुशबू भी आएगी। इसको बोलते हैं गुलाब जल भी बोलते हैं, तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो इसमें हम लोग ले लेंगे, तो ये हम लोग ने डाल चुका है। तो हम इसे मिक्स कर देते हैं, मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट लिया है, इसमें मैं इसको पलट दूंगा। ओके अच्छे से आप लोग को दिख नहीं रहा होगा,
ये देखिए ये बड़ा सा प्लेट है, इसमें मैं पूरा पलट देता हूँ। अच्छा सुन, ये छोटा छोटा गांठ है, ये आप लोग का रहना ही चाहिए वरना आप लोग का अच्छे से बन नहीं पाएगा। अब मेरे को नहीं पता ये अच्छा बनेगा या नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे से बनेगा अभी। वो सॉरी कमरे में मेरे को भी साथ मार दिया। थोड़ा ब्लर आ रहा है, रुक जाइए मैं ठीक कर दे रहा। तो यहाँ पे देखिए अब ठीक आ रहा है, ये कलर तो ये कलर ऐसा आ रहा है, रुके ये देखिए हम लोग का ये कलर पूरे में फैल चुका है। अब मैं जा रहा हूँ इसको धूप में रखने, तो धूप में इसको रखना है हम लोग को 2 to 3 hours। तो चलिए इसको धूप में रख के मैं आपको दिखा, चलिए मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले मेरे महिला से मिल लीजिए। माइनो माइनो कैमरा, हाय क्लोज अप, हाय 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 फ्रेंड्स, बोलिए गाइस को। तो हम लोग चलते हैं बाहर और आप लोग को दिखा देते हैं कि हमारा धूप में रख दिए हैं हम लोग, देख सकते हैं धूप में मैंने रख चुका है। अभी तो यहाँ पे अभी फिलहाल धूप है नहीं है, बदरी किया हुआ है, तो कुछ देर में धूप आ जाएगी। और इसको क्या मैंने बोला था, 2 to 3 hours आपको धूप में रख देना है जिससे ये सूख जाएगा। तो चलिए जब ये सूख जाता है फिर हम लोग आपसे मिलेंगे। तो अभी क्या हो रहे हैं 10:24, तो अभी 10:24 हो रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे, तो हम लोग तो हम लोग हम अब हम जाएंगे 1:30 तक हम लोग जाएंगे उसको देखने। धूप तो निकलना चालू हो गई है, जब वो 1:30 तक मैं जाके देखूंगा उसको कि कैसा हुआ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ। तो अभी तो सुबह के 10:30 होने वाले। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि हमारा वो अभी के बज रहे हैं 2 बजने वाले हैं, मतलब 1:55 हो चुके हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं 1:55 हो चुके हैं। तो मेरे को लगा कि ये हो जाएगा अभी धूप में, ये तो 2 ही घंटे में जाती है, पर अभी धूप मेरे यहाँ नहीं निकली है। रिलीज को 3:30 हो गए अभी तक, मैंने 10:30 बजे को रखा था, देख सकते हैं ये अभी एकदम कड़ा तो हो ही चुका है, पर हम लोग को ऐसा चाहिए कि क्रंची हो। वो जगह से फट भी गया है, कोई बात नहीं, हम लोग को तो मेन गुलाल से मतलब है। और इसकी स्मेल करेंगे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत मतलब अच्छी खुशबू है इसकी। और कलर भी तो आप देख सकते हैं, कलर वाह, ये कलर मेरे रूम के मैचिंग का है। चलिए आपको दिखा देता हूँ अपना रूम क्या मैचिंग का। तो अभी हम आ चुके हैं अपने रूम में, तो अगर आप देखेंगे तो ये रूम के मैचिंग का कलर है मेरे, देख सकते हैं, और ये रूम के कलर का मैचिंग है। तो हम लोग आधा घंटा और रुक के उसको धूप में या पंखे के नीचे। और हाँ, अगर आपको आपके पास वो होली में खेलने वाला कलर ना हो तो आप फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, और आपको जो रंग का बनाना हो बस सेम थिंग में आपको वही कर देना। जैसे मैं वो ब्लू से बनाया हूँ, तो मैंने जैसे पहले ब्लू रंग डाला, वैसे ही आपको रेड से बनाया, रेड रंग डालिए, फिर पानी डालिए, फिर वो अपना अरारोट डालिए, फिर रोज आइसेंस डालिए, फिर रख दीजिए धूप में। अगर आपके पास धूप ना निकली हो तो आप पंखे के भी नीचे इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको पंखे के नीचे रखने में। तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, पंखे के भी नीचे रख सकते हैं,
और ज़रूरी नहीं कि आपको महक के लिए सिर्फ रशियन ज़रूरी, आपको सभी रशियन डाल सकते हैं। फूड डाल मत दीजिएगा, जैसे बोला उसको डाल दीजिएगा आप ही। यह तो जब क्रंच हो जाएगा तब हम लोग आपसे मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्राइंड कर चल कर दूँ भाई, भाई साहब तो यहाँ से मैं ग्राइंड कर चुका हूँ। एक और पैक करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे थोड़ा ढक्कन नहीं लग गया, ये टूटा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि ये हम लोग का रेडी कैसा लग हो गया है। तो ये हम लोग गुलाल की तरह मैक्सिमम हो गया है। अब इसको हम लोग थोड़ा और अच्छा चाहिए तो ग्राइंड करेंगे। क्या करेंगे? ग्राइंड करो और चीज चाहिए हम लोग ग्राइंड करेंगे इसको और चाहिए और ग्राइंड करते हम लोग। वही तो हम लोग ग्राइंड करना चुके हैं। देख सकते हैं ना, देख लेता हूँ कि कैसा है। मैं इसको देख रहा हूँ कि कैसा है। ओ भाई ये तो मुँह का रेडी हो गया। ये फ्रेंड्स हम लोग का ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको बाउल में निकाल के दिखा देता हूँ आप लोग को। तो चलिए बाउल में निकाल के दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा गुलाल कितना अच्छा लग रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये मोटे मोटे पीसेस है, पर नहीं, ये देख लीजिए हमारे गुलाल असियत का रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना अच्छा है। अगर उसकी महक भी सुनेंगे तो बहुत अच्छी महक है इसकी। ये क्योंकि इसमें हम लोग जो वो डाले गुलाब जल डाले हैं उसमें इसके बहुत अच्छा महक आ चुका है। देख लीजिए आप लोग कितना बढ़िया है। यह असली गुलाल की तरह लग रहा है। जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इन फ्यूचर आपको मेरी कोई भी वीडियो आप मिस आउट ना करें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।